हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय वीडियोस ऑन साइंस फॉर क्लास 9th ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1, जिसका कि टाइटल है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो मैं इस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। ये वीडियो इस चैप्टर की 4th वीडियो है। इससे पहले की जो 3 वीडियोज हैं उसमें जो मैं टॉपिक्स डिस्कस कर चुका हूं वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो में इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को भी, जो कि बुक में दिए गए हैं, उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम आगे अपना डिस्कशन बढ़ाते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन करने का है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, व्हेन वी लुक इनटू आवर सराउंडिंग्स, चारों तरफ जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम डिफरेंट फॉर्म्स में या डिफरेंट स्टेट्स में हमें मैटर देखने को मिलता है। मैटर की 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, ये क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन होता है। सॉलिड्स में मैटर के पार्टिकल्स की कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लिक्विड में कुछ अलग होती हैं और गैसेस में कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मैटर के पार्टिकल्स की डिफरेंट या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण से ही मैटर की 3 अलग अलग फॉर्म्स पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं। अब जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो अगर हम एक पीस ऑफ आयरन को ले लें या एक वुड का ब्लॉक ले लें या अगर हम स्टोन ले लें, तो ये सब सॉलिड्स के एग्जांपल्स हैं। इन तीनों ही चीजों में या जो भी कोई और सॉलिड है उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? नंबर 1, दैट दे हैव डेफिनेट शेप, दे हैव ए डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ये कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई करते हैं। इसके साथ साथ सॉलिड्स में एक और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और वो ये है दैट दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, हम इनको स्क्वीज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड्स के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं भले ही हम उनके ऊपर कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई कर सके। अगर हम कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई करते भी हैं सॉलिड के ऊपर तो वो ब्रेक तो कर जाएंगे, वो टूट तो जाएंगे, लेकिन वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम स्टोन की बात करें, अगर हम स्टोन के ऊपर किसी हैमर से हिट करते हैं तो वो स्टोन ब्रेक कर जाएगा लेकिन वो स्क्वीज नहीं करेगा और वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं। इसके अलावा भी हम सॉलिड्स को 2 और तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सॉलिड इनइलास्टिक और इलास्टिक फॉर्म्स में भी हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम इलास्टिक सॉलिड्स की बात करते हैं, जैसे कि आयरन या स्टोन होता है, तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि दैट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दे आर डी शेप्ड एंड डू नॉट कम टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। अगर हम इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये टूट जाएंगे लेकिन ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे। उसके उल्टे जो इलास्टिक फॉर्म ऑफ सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि रबर की अगर हम बात करते हैं, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेते हैं जैसे ही हम इनके ऊपर से कोई आउटसाइड फोर्स को रिमूव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रबर को अगर हम स्क्वीज करते हैं तो वो पिचक जाता है, या अगर हम उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो अपनी वो शेप को चेंज कर लेता है, और जैसे ही हम रबर के ऊपर से उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो रबर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। लेकिन रबर है सॉलिड ही, उसकी अपनी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, अपनी शेप है और उसका अपना एक वॉल्यूम है। तो ये बात तो हुई सॉलिड्स की। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नंबर 1, लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की अपनी कोई शेप नहीं होती है लेकिन उनका अपने एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। और जिस भी कंटेनर में आप उसको रख दीजिएगा
वो उस कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है या वाटर है या ऑयल है, ये सब लिक्विड्स के एग्जाम्पल्स हैं। लिक्विड को अगर हम किसी ग्लास में रखेंगे या किसी बॉटल में रखेंगे तो वो उस ग्लास या वाटर बॉटल का शेप तो एक्वायर कर लेगा, लेकिन वो उसमें वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि अगर हम किसी बॉटल को पूरा का पूरा वाटर से भर दें, पूरा का पूरा पानी भर दें, तो अब उसमें और वाटर हम नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि उस वाटर का अपना एक वॉल्यूम है जो कि उसने ऑलरेडी उस बॉटल में ऑक्यूपाई कर लिया है, और अब हम उसमें और वाटर को नहीं फिल कर सकते हैं। लिक्विड फ्लो करते हैं और अपनी शेप को चेंज करते हैं, इसलिए ये रिजिड नहीं होते हैं, हम इनको फ्लूइड भी कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप और भी कुछ ये बात जानते हैं कि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड्स में डिफ्यूज कर जाते हैं, यानी कि लिक्विड्स में घुल जाते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट जो कि सॉलिड्स हैं, या एक जो कि लिक्विड है, वो वाटर में डिजोल्व कर जाती है। ना केवल सॉलिड्स और लिक्विड्स बल्कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं वो भी आपस में या वाटर में डिजोल्व कर जाती हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैसेस जो हैं वो वाटर में डिजोल्व कर जाती हैं। और अगर हम देखते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो कि समुद्र में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसी को इनहेल करके वो लोग सर्वाइव करते हैं। चलिए, ये बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड्स जो हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज कर जाते हैं। एक बात और भी है, वो ये है कि इनके डिफ्यूजन का जो रेट है वो सॉलिड्स के डिफ्यूजन के रेट के मुकाबले में हायर होता है। सॉलिड्स देर से घुलते हैं जबकि लिक्विड्स जल्दी घुल जाते हैं। अगर हम एक बर्तन में पानी लें और उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डालें तो देर से घुलेगा, लेकिन अगर हम उसी पानी में नींबू निचोड़ देंगे तो जल्दी घुल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, और साथ ही साथ उनके बीच में जो स्पेस होती है वो भी सॉलिड्स के मुकाबले में ज्यादा होती है, इसीलिए लिक्विड आसानी से डिजोल्व कर जाते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेट यानी कि गैसीय स्टेट की बात करते हैं। तो अगर हम गैसेस की बात करें फ्रेंड्स, सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो गैसेस हैं वो बहुत कंप्रेसिबल होती है, उनको हम कंप्रेस करके कर सकते हैं, और इसी कारण से गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी की क्वालिटी होती है उसी कारण से हम बहुत ज्यादा गैसेस के वॉल्यूम्स को, बहुत लार्ज वॉल्यूम्स को भी हम कुछ छोटे से कंटेनर्स में स्टोर करके रख सकते हैं, ये सिलेंडर्स में स्टोर करके रख सकते हैं। आपकी एलपीजी गैसेस हैं या आप जो मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं वो भी हम एक छोटे से सिलेंडर में बहुत सारी ऑक्सीजन भर देते हैं। इसके अलावा आप लोग जो डीओ यूज करते हैं अपनी फ्रेग्रेंस के लिए, वो भी एक छोटे से कंटेनर में आपके बहुत सारा डीओ आ जाता है, बहुत टाइम तक उसको यूज कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इसको आराम से ट्रांसपोर्ट भी कर लेते हो। बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू द अदर गैसेस। और क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत हाई स्पीड पर मूव कर रहे होते हैं और उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होती है, इस कारण से गैसेस एक दूसरे में बहुत जल्दी से डिफ्यूज कर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मैंने आपको शुरू वाली स्लाइड में बताया था कि इनके कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन की वजह से अलग अलग स्टेट्स होती हैं। तो हमने देखा कि जो सॉलिड होती है उसमें पार्टिकल्स बहुत आसपास होते हैं, बहुत करीब होते हैं, उनमें स्पेस बहुत कम होती है और उनका मूवमेंट भी बहुत कम होता है, इसलिए सॉलिड जो है वो ठोस होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो कंपैरेटिवली उसमें स्पेस भी ज्यादा होती है और पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट भी थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन जो गैस होती है, गैस में तो स्पीड भी पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा हाई होती है और उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए तीन वैरायटीज की वजह से, कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से पार्टिकल्स की तीन अलग अलग स्टेट्स भी होती हैं सॉलिड्स की, मैटर की। नाउ मूविंग अहेड, पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड सो दे हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत रेंडम स्पीड पर, बहुत हाई स्पीड पर मूव करते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे से बहुत जोरों से टकराते हैं,
और ना सिर्फ एक दूसरे से टकराते हैं बल्कि जिस कंटेनर में इनको रखा हुआ होता है उसकी वॉल से भी एक बहुत तेजी के साथ में टकराते हैं। और फिर क्या करते हैं, दैट एग्जर्ट प्रेशर, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई गैस इज ड्यू टू दिस फोर्स एग्जर्टेड बाई गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। और ये जो फोर्स जो गैस के पार्टिकल्स उस कंटेनर की वॉल्स पर लगाते हैं उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो जो आपका डीओ का जो कंटेनर होता है उसमें बहुत प्रेशर के साथ में डीओ भरा हुआ होता है क्योंकि गैस होती है, और इसीलिए कहते हैं कि उसको पंक्चर नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम पंक्चर करेंगे तो गैस बहुत तेज फोर्स के साथ में बाहर निकलेगी और हमको इंजर कर सकती है वो। तो ये प्रेशर होता है उसके अंदर। अब अगर हम प्रेशर को डिफाइन करने की कोशिश करें, देन द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। यहां पर P प्रेशर है, F फोर्स है और A इज एरिया। सो फ्रेंड्स, दिस वे वी डिस्कस्ड द टॉपिक दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर विद यू। इससे पहले वाली भी वीडियोस आपने देखी होंगी, ये वीडियो भी आप देखेंगे। मैं समझता हूं कि इन वीडियोस से आपको अपने इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। Please keep on watching my videos. Thanks a lot. God bless you.